नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप जुड़ चुके हैं अपने चैनल चिनाब टीवी के साथ। तो ये नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डिप्टी कमिश्नर विकास शर्मा ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में एसोसिएटेड अस्पताल जीएमसी डोडा के ओपीडी ब्लॉक में मॉडल पोलियो बूथ का उद्घाटन और लाभार्थी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर संगठन प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का की शुरुआत की। तो देखिए प्रदीप सिंह राणा की रिपोर्ट। वो कहाँ गया दूसरी लड़की मारकर? टेलीशीट कौन? हॉस्पिटल है। कार है? चार को हो गया, चार को साढ़े चार मीटर 15-20 मिनट के बाद। अभी खाना नहीं है, ठीक है? निशान मार्च कर लो इनके पेरेंट्स। अभी खाना अभी ना इनको खाने दीजिए। सो बोलो अपने बंद कर दो, सब बैठ जाओ, इधर आ जाओ सारे, आओ चेयर पर, अभी रह के ना आओ पीछे। संजू इनको पीछे जाते हैं, उसको मार करते हैं, काल करते हैं, मार देते हैं बच्चे का। अगर उसको मार लगा तो पिया कर वाटर बॉर्न ट्रांजिट ना हुई हमारे पास। हमारा कोई केस ऐसा कोई 2013 में लास्ट केस आया, सबको लास्ट केस कहाँ आज आपका। जैसे देखिए पिछले 25 सालों से पल्स पोलियो अभियान चल रहा है और ये सबसे सक्सेसफुल कैंपेन जो हुई है हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की, और बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन हुई है। उसी में हर साल हमारा ये एक तीन चार दिन का कैंप होता है। अभी हम यहाँ पे थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट बूथ्स हैं, 523 के करीब बूथ बनाए गए हैं और 3 दिन तक चलेगा। ऑर्डिनरली अगर कोई बच्चा फिर भी बच जाता है तो उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा। इसमें स्नो बाउंड एरिया में पूरी जो है पॉपुलेशन, जो हमारे 70,000 से ऊपर के बच्चे हैं, उन सबको रीच आउट किया जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई बच्चा रह जाएगा, क्योंकि 100% यूनिवर्सलाइजेशन है। ऑलरेडी इरेडिकेट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर हर साल यहाँ पे कैंपेन होता है ताकि कोई भी नया बच्चा या कोई आने वाली चीज़ किसी तरीके से अगर वायरस इम्प्रेगनेट हो गया है यहाँ पे तो उसको हम नाकाम कर सकें। लोगों को मैसेज यही है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है कि अवेयरनेस लोगों को बढ़ी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर साल पूरे लोग आते हैं, सबको अवेयरनेस है। लेकिन उन सभी को जिनके अभी बच्चे नए पैदा हुए हैं 0 से 5 साल के, अभी आपने देखा 1 साल का बच्ची को भी हमने वो दिया था वैक्सीनेशन, तो सभी को यही अपील की जाती है कि यहाँ जहाँ पे बूथ बने हैं वहाँ पर आप आइए और अपने बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स दिलवाइए। जिला रामबन में अध्यक्ष नगर परिषद रामबन सुनीता सोमरिया ने सीएमओ डॉक्टर फरीद भट्ट उपायुक्त की उपस्थिति में जिला अस्पताल रामबन में प्लस पोलियो अभियान का उद्घाटन किया। सीएमओ ने बताया कि जिले भर में 1 से 5 वर्ष के 57,000 से अधिक लक्षित बच्चों के टीकाकरण के लिए 435 टीकाकरण बूथ उपस्थित किए गए हैं। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। सबसे पहले भारत सरकार को बधाई देती हूँ जिन्होंने पोलियो को हमारे देश से ख़त्म किया है। हमारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की हम सबके लिए, और ये उनके ही सबब है जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स में बहुत मेहनत की है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी पोलियो को दोबारा ना आने दो और अपने बच्चों को दवाई देते रहें। जय हिंद जय भारत। आपने देखा कि 1995 से जो हम ये पल्स पोलियो जो है ये प्रोग्राम जो चला रहे हैं, और हर साल इसके 2 राउंड होते थे, तो 2011 से कोई भी केस जो है इंडिया में डिटेक्ट नहीं हुआ, और 2014 में जो है हमारी कंट्री को जो है पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन हुई बाय WHO। तो इस वक्त हमारा जो है इंडिया इज फ्री फ्रॉम पोलियो, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नाइजीरिया है, वहाँ पर अभी तक पोलियो केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हो रहे हैं।
उस वजह से हमने जो अपनी मशीनरी को स्टैंड बाय रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे टूरिस्ट वगैरह चलते हैं कंट्री टू कंट्री चलते हैं तो कहीं हमारी कंट्री में कहीं पोलियो का जो ये सर्कुलेशन ना आ जाए, इस सिलसिले में हमने जो है ये पल्स पोलियो को कैंपेन जो है इसको जारी रखा है। ये 3 दिन के लिए चलेगा। पहले दिन हम बूथ लेवल पर करते हैं और सेकंड और थर्ड जो है वो होस्ट टू होस्ट जो है एक्टिविटी करते हैं। इसमें 0 to 5 ईयर्स के तमाम बच्चों को जो है पल्स पोलियो की ये डोज दी जाएगी। तो इस सिलसिले में हमने आज यहाँ पर ये आगाज़ किया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से। तो हम डीसी सर का भी शुक्रगुजार हैं, म्यूनिसपलिटी जो है प्रेसिडेंट को उससे हमने इनॉग्रेट कराया। तो बाकी मैं आपके जरिए से तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कैंपेन है इसमें पूरी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ दिया जाए और कोई भी बच्चा जो है 0 to 5 ईयर्स का नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा रह गया तो वो बाकी बच्चों के लिए और पूरी पब्लिक के लिए खतरा हो सकता है। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो हमारे कोई 53,073 बच्चे हैं तो वो पूरे फिर 100% जो है वो कवर होने चाहिए। तो हमने 435 जो हैं हमारे जो है बूथ हैं, तो उस हर बूथ में हमारे 4 बंदे हैं, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और कुछ टीचर्स वगैरह को भी हमने लगाया। तो कल से जो है हमारे जो 4 बंदे हैं दो करके मतलब 2 टीमें बन जाएंगी और वो होस्ट टू होस्ट जो है कवर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने तहसीलदार डोडा शबीर अहमद मलिक की उपस्थिति में तहसीलदार दफ्तर का आयोजन किया। इसके अलावा डीसी ने सभी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को डीईएसओ ऑफिसर में जारी काम को तेज करने का आग्रह किया। बाकी ज़्यादा दफ्तर ऐसे ही होते हैं कि हर दफ्तर जिला ऐसे की ऐसी कोई नहीं है आपका अच्छा। डिप्टी कमिश्नर रामबन मुसरत इस्लाम ने ज़िला रामबन के स्थान गंदारी का दौरा किया था। स्थान गंदारी में डीसी ने रोड सिंकिंग साइट की जानकारी ली। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। आप अपना वो रेडी रखें। ठीक है। तो फिलहाल आपकी वहां पर सप्लाईज और कोई अप्रोच रोड गांधी का है? नहीं सर, कोई नहीं। ठीक, आप मेरे साथ शमीम जी इन टच रहिए। जी जी सर। अगर आपको कोई सप्लाईज की हो तो हम ट्रांसशिप करवा सकते हैं। जी जी सर। कोई इशू नहीं है, कुछ तो कुछ करके अगर कोई सप्लाईज होगी मैं शुआब के साथ भी बात करूंगा और तब तक हम कुछ ट्रांसशिपमेंट दवाइयां वगैरह की जरूरत होगी और जो फूड रिलेटेड आइटम जो जी हां फूड रिलेटेड मैं आज ही ऑर्डर निकाल दूंगा। थैंक यू सर, वी विल इशू एन ऑर्डर। 2-3 दिनों की बारिशों की वजह से हमारा जो रामबन गांधरी रोड है ये किलोमीटर 7 पे कोई 300 मीटर्स जो है वो कल जो है वो सिंक हो गया। इमीडिएटली जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया और यहाँ पर एक टीम डिप्यूट की गई टू फिज़िकली सी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 300 मीटर्स पे मैसिव डैमेज है, बहुत सारे हमारे जो ग्रीन ट्रीज हैं वो भी अपरूट हो चुके हैं और इमीडिएट डायरेक्शंस हैव बीन कन्वेड कि आप इस रोड की रेस्टोरेशन जो है उसके काम को इमीडिएटली हाथ में लें। मेरी जो विनोद जी के साथ बात हुई है उन्होंने हमें अश्योर किया है दैट एज एंड व्हेन वर्क स्टार्ट्स तो हफ्ते के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस रोड को रिस्टोर करेंगे। इसके अलावा मैंने DFO जो हमारे बटोत फॉरेस्ट डिवीजन के हैं कुलदीप जी, उनको भी डायरेक्शन दी है कि वो अपनी टीम, वैसे उनकी टीम कल यहाँ पर पहली प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन के लिए आई है ताकि जो अपरूटेड ट्रीज़ हैं उनको रिमूव किया जाए, बिकॉज आफ्टर दोज ट्रीज़ विच हैव बीन अपरूटेड जब वो रिमूव होंगे तभी हमारा रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा। इन द मीन टाइम हमने तहसीलदार रामबन को नोडल ऑफिसर बनाया है ताकि जो कट ऑफ एरिए हैं गांधरी और जो कब्बी पंचायत है उनके जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग फूड सप्लाईज़ राशन
और उसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जब तक सड़क रिस्टोर हो ट्रांसशिपमेंट करके उनको वो एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुँचाएँगे। तो मेरी पिछले दो दिन से हम DDC मेंबर हमारी जो शमीम जी हैं उनके साथ इन टच हैं और आज हमने यहाँ पर दौरा करके जो है फर्स्ट हैंड अप्रेजल लिया है और सब्जेक्ट टू गुड वेदर कंडीशन, आज वैसे धूप निकली है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे काम शुरू हो जाए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुल एक तरफ वाहन आंदोलन, नगरकोट भूस्खलन स्पष्ट और वाहन श्रीनगर की ओर बढ़ गया। तो देखिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे कम से कम दो दिन से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी स्लाइड्स वगैरह की वजह से जो है NH-44 बंद था, कुछ दो तीन दिन से जो प्रॉब्लम हो रही थी, खासकर कल दिन को जो है नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक रेस्टोर हो गया था, ट्रैफिक चल पड़ा था, लेकिन रात के 2 बजे के करीब जो है मकरपुर के मुकाम पे एक लैंडस्लाइड की वजह से जो है ट्रैफिक बिल्कुल बंद करना पड़ा था। ट्रैफिक इंतजामिया को खासकर जो ट्रैफिक रामबन वगैरह से जो था वो बिल्कुल बंद हुआ था वहां पे। तो अभी जो है कुछ टाइम पहले 1 घंटा पहले जो है ट्रैफिक जो है मकरपुर के करीब ट्रैफिक बहाल हो गया है और जम्मू वाली साइड से जितनी भी गाड़ियां जो है खासकर रामबन मकरपुर नासरी के मुकाम पे जो भी गाड़ियां फंसी हुई थी उनको जो है श्रीनगर जाने की इजाजत दी जा रही है। और मेरी गुजारिश होगी लोगों से जब भी आप जो है NH-44 पे सफर करते हैं उस टाइम जो है ट्रैफिक इंतजामिया से जो है आप पहले रब्ता किया करें और उसके बाद जो है घरों से सफर करने की कोशिश किया करें। और जितने भी लोग फंस जाते हैं पैसेंजर्स वगैरह जो है फंस जाते हैं तो उस टाइम जो है आप लोग ट्रैफिक इंतजामिया का सपोर्ट किया करें क्योंकि उनकी कंप्लीट हो जाता है तो वह आप लोगों की उनकी जिम्मेवारी होती है आप लोगों को रोकना। ये जो नेशनल हाईवे खासकर रामबन तो बानिहाल है, इस पर बहुत ज़्यादा जगहों पे प्रॉब्लम्स होती है, शूटिंग स्टोन्स होती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उस वजह से ट्रैफिक इंतजामिया आपको रोकता है और उसके बाद जो है आपको तभी जाने की इजाज़त दी जाती है जब NH-44 जो है गाड़ियाँ बिल्कुल चल रही है अच्छे से नॉर्मली जो है गाड़ियाँ चल रही है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो है लैंडस्लाइड फिर से ना हो और अभी जो है ट्रैफिक कंटिन्यू चलता रहे। अभी जितनी भी गाड़ियाँ काजीकोट वाली साइड से फंसी हुई है उनको भी जल्दी से जो है ट्रैफिक इंतजाम में जाने की इजाज़त देगी। जब तक जो है रामबन नाशरी वगैरह जो है जितना भी जाम जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी कल रात से 2 बजे से उनको जब क्लियर कर दिया जाएगा उसके बाद जो है। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।